नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज। दोस्तों, जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है आप सभी जानते हैं, इसमें कोई ना कोई हर रोज नई घोषणाएं होती नजर आती हैं। आज भी जो घोषणाएं किसान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन पाल जी ने की है उसके बारे में आपको बताते हैं कि आगे की प्लानिंग क्या रहेगी किसान संयुक्त मोर्चा की पूरे देश भर के लिए। तो 12 फरवरी को किसान आंदोलन के अध्यक्ष ने जो बताया वो कार्यक्रम हो रहा है कि पूरे राजस्थान में जितने भी टोल प्लाजा रहेंगे उन सभी टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाएगा और टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। ये रहेगा 12 फरवरी का कार्यक्रम। 14 फरवरी के लिए किसान यूनियन की क्या प्लानिंग है उसके बारे में बताते हैं कि 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए सभी अपने शहीदों के लिए देश भर के अंदर कैंडल मार्च या मशाल मार्च निकाला जाएगा और उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 16 फरवरी के लिए सर छोटू राम की जयंती पर अपने किसान मसीहा को मानते हुए सर छोटू राम को सभी किसान एकजुटता का प्रतीक देंगे। पूरे देश भर में सभी किसान एकजुट होंगे। 18 फरवरी के लिए किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कि वो किसी तरीके से जागे, पूरे देश भर के अंदर 12 बजे दोपहर से लेकर शाम 4 बजे तक सभी रेलवे लाइंस ट्रैक ब्लॉक किए जाएंगे और रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, एक बात देखने में आ रही है कि 78 दिन से लगातार किसान टिकरी बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए, मगर सरकार है कि कहीं भी टस से मस नजर होती नजर नहीं आ रही है। उधर सरकार बंगाल के इलेक्शन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, सारा ध्यान उनका बंगाल इलेक्शन की तरफ है। किसानों का कहना है कि जब सरकार हमारे तरफ नहीं देख रही है, हम इस आंदोलन को लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, मगर कोई भी हम इसके अंदर उपद्रव का कोई भी कारण नहीं बनेंगे। तो देखिए क्या कहा दर्शन पाल जी ने। ये थी किसान आंदोलन वालों ने जो फरवरी के अंदर किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज के साथ।